हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल सनालिस लाइफ स्टूडियो। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं मॉल, तो आज मैं आपको अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ यूएस का मॉल कैसा होता है। मैं रिधान जा रहे हैं प्याली के साथ, तो अभी वो लोग थोड़ी देर में आएंगे हमें पिक करने। राजेश हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, मैं आपको यहाँ की शॉपिंग फैक्ट्स कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आप मेरे साथ बने रहे कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट है शॉपिंग को लेके, वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी, वी सी यू इन मॉल। ओके ओके, सो बाय गाइस। सो गाइस, ये है केनवुड शॉपिंग एरिया एंड यहाँ पे मैसीज। तो प्याली तो आज मस्त हीरोइन लग रही है, शॉपिंग करना है पूरा आज प्याली को। मेरा तो पानी होता है। सो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या शॉपिंग करेंगे। सो प्याली, आपको क्या क्या लेना है? पता नहीं, बस देखना है, घूमना है। सो गाइज, ये है मॉल के अंदर का चीज़। मैं आपको मॉल दिखाऊंगी थोड़ा। और ये एंट्रेंस में कुछ इस तरह से है, बेडिंग बेड सेट उन्होंने लगा के रखा है। ऑलमोस्ट यहाँ के मॉल ऐसे ही होते, होप आप भी ऐसे ही देखते हो। एंड ये टॉवल वगैरह है, तो हमें तो बेड नहीं लेना था, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। रिधान को अपना वो छोटा सा बेड पसंद आया, तो वो वहाँ जाके बैठ गया था। और ये कुछ डेकोर पीस है जो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है डेकोर पीस देख के, क्योंकि वो इतने सुंदर होते ना, और मुझे मन करता है कि मैं सारा ले लूँ। सो गाइज, जहाँ अभी रिधान खड़ा है, ये है इस मॉल का लाइक यहाँ पे क्लियरेंस सेल जो भी होता है ना, इस एरिया में रहता है, इसको बैक स्टेज बोलते हैं। और ये सब मॉल के जो नॉर्मल प्राइस है, इस एरिया के में कम प्राइस होती है बैक स्टेज में। सो यहाँ पे टॉय शॉप है, यहाँ पे सारे बच्चों के टॉयज़ है, क्रॉकरीज है। और क्रॉकरीज तो माय गॉड, मैं तो फ्लैट हो जाती हूँ देख के। सो होप आप भी मुझसे रिलेट कर सकते होंगे। सो अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, तो मतलब ओरिजिनल मॉल ऊपर है, ये बैक स्टेज था नीचे, और बेडिंग वाली जो एरिया थी वो ओरिजिनल थी यहाँ की। सो रिधान बहुत खुश है। एंड जिसे कॉस्मेटिक पसंद है ना, वो तो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की कॉस्मेटिक पर्सनली बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनके पास हर टोन के लिए शेड अवेलेबल होता है। एंड अब तो इंडिया में भी सारे ऑलमोस्ट शेड मिलने लगे हैं फाउंडेशन के एंड कंसीलर के। सो मैं तो बस एक टिफ़िन ली हूँ। और ये बैक का एरिया था। सो मैं पहले जहाँ पे जो मॉल जाती थी, ब्रांड तो ऑलमोस्ट सारे सब अच्छे हैं, बट मुझे बैग यहाँ पे पसंद भी आए, और लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, सो मुझे वर्थ नहीं लगा यहाँ से लेने के लिए। गाइज, आप देख सकते हो मैं हॉलमार्क के बाहर भी खड़े हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा हॉलमार्क का शॉप था। एंड वो वहाँ भी डेकोर पीस बहुत अच्छे अच्छे थे, पर मैंने लिया नहीं कुछ। आपको मॉल दिखा दूँ, ये मॉल तो था बहुत बड़ा, बट हम सारे शॉप में नहीं जा पाए। हम मैसीज में ही इतना ज़्यादा थक गए थे कि अभी हमें दूसरे शॉप जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ये देखो, ये इंडियन ज्वेलरी शॉप है, जैसे हम इंडियन पहनते ना, उस तरह के इंडस ज्वेलरी लिखे हुए थे वहाँ पे। एंड बहुत सारे शॉप थे पर हम नहीं जा पाए। और ये थी चॉकलेट की शॉप, जहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ ऑफ कैंडीज़ मिल रही थी। लाइक हम तो ये, मतलब मैं यूरोप में इस तरह की चॉकलेट्स बहुत खाती थी जब मैं स्वीडन में रहती थी, बट यहाँ भी बहुत अच्छे थे और बहुत टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स थे, तो हमने भी कुछ यहाँ से ख़रीदा। सो गाइज, हम लोग आ गए वापस बाहर। कुछ कुछ दो ही चीज़ ली हूँ मैं, प्याली तो बहुत शॉपिंग करी नहीं। तो अभी अभी हम वापस घर जा रहे हैं। रिधान ने कपकेक लिया, तो
अभी प्याली का फोटो सेशन करना है वो कर लेती हूँ। मिलती रेडी हो रही है मैडम। सो गाइज, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ शॉपिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, शॉपिंग के बारे में, लाइक हम कैसे शॉप करते हैं, यहाँ के क्या रूल्स है, टर्म एंड कंडीशन है, वो बताने वाली हूँ। तो पहले मैं सोची थी कि वीडियो में ही बता दूंगी जो भी मैंने मॉल का वीडियो लिया था, बट फिर मैं जब मॉल के बारे में आपको बताने लगी तो उस पर उतना टाइम नहीं मिला मुझे बताने के लिए। सो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि सबसे बड़ा है कि शायद आपको पता भी होगा कि जो अमेरिकन्स होते हैं वो शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो एजुकेशन में इतना ज़्यादा, हायर एजुकेशन में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते जितना वो शॉपिंग में इन्वेस्ट करते हैं। उनको वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वॉचेस, शूज एंड क्लॉथ्स में वो बहुत ज़्यादा अपना ऑलमोस्ट 60% मनी वो इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। सेकेंड, यूएस में कोई MRP सिस्टम नहीं है लाइक इंडिया। इंडिया में है कि अगर इस स्टोर में 999 का मिल रहा है तो वो दूसरे स्टोर में भी 999 का ही मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहीं भी कोई ना सब्जी का कोई रेट होता है, लाइक अगर हम इंडिया में 10 रुपये किलो टमाटर खरीद रहे हैं तो वो पूरे ऑल ओवर सिटीज में रहता है 10 रुपये किलो टमाटर, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इवन यहाँ ये भी है कि अगर सेम स्टोर लाइक बिग बाजार है तो बिग बाजार का एक ही रेट हर बिग बाजार में होगा, वैसा भी यहाँ नहीं है। यहाँ MRP का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे दुकान वाले अपनी मर्जी से दाम रखते हैं और लोग खरीदते भी है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। यहाँ MRP का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब MRP आई थिंक ये लोग जानते भी नहीं है कि MRP कुछ होता भी है। सो गाइज, और जो 50% अमेरिकन्स होते हैं वो ब्लैक फ्राइडे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो ब्लैक फ्राइडे एक दिसंबर के टाइम पे एक ऐसा सेल का फेस्टिवल होता है जहाँ पे लोग खूब शॉपिंग करते हैं, तो 50% अमेरिकन उस टाइम शॉपिंग करते हैं। सेकेंड है जो कि मुझे, मतलब नेक्स्ट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है यहाँ की रिटर्न पॉलिसी। यहाँ की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। लाइक आप 1 मंथ के बाद आप कोई भी चीज़ रिटर्न कर रहे हो तो वो विदाउट क्वेश्चन आपकी चीज़ रिटर्न लेते हैं और आपका कैश आपको वापस करते हैं, या तो वो अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करते कि आप क्यों रिटर्न करना चाहते हो, इसका बिल कहाँ है, ये तो आपने इतना दिन यूज़ कर लिया, ऐसा ये कुछ नहीं पूछते हैं, ये बस चुपचाप से रिटर्न ले लेते। पर इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूज़ के बाद वो रिटर्न करते, तो प्लीज़ अगर वो यहाँ के लोग ऑनेस्ट है वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से मत करो। हाँ, वो बात अलग है, चीज़ अच्छी नहीं है, काम नहीं, यूज़ नहीं आ रही है, कुछ खराबी है, तब आप जाके रिटर्न करो। पर आफ्टर यूज़र मन भर गया अब नहीं करना, उस तरह से आप रिटर्न मत करना। और बहुत सारे स्टोर्स में ये भी होता है वो 60 डेज या 90 डेज का टाइम लिमिट देते कि आप इसके बीच में कभी भी आके रिटर्न कर लो, और वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होता ना, सामान के बदले आपको सामान ही लेना है, पैसा नहीं देंगे, कैश हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, वो कैश ही देते हैं आपको। भले आप रिटर्न कुछ आपको खरीदना भी हो तो आप उस कैश से खरीद सकते हो, पर वो आपको रिटर्न में कैश ही देते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लाइक अमेजोन या कहीं किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, तो अमेजोन का मुझे पर्सनली मुझे पता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी ऑनलाइन साइट के बारे में मुझे नहीं पता। अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है, अगर वो मेरे पास डिलीवर हो गया और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मैं उस चीज़ को, वो चीज़ जब रिटर्न करना होता है तो यहाँ पे है कि एक स्टोर वो लोग बताते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टोर होते हैं जहाँ पे आपको जाके वो ड्रॉप करना होता है। तो जब हम चीज़ें ड्रॉप करने जाते हैं अमेजोन की चीज़ें वहाँ पे, तो उस स्टोर से हमें कुछ कैश के गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, लाइक $5, $6, $7, इस तरह से वहाँ से हमें गिफ्ट कार्ड मिलते हैं जो कि हम उस शॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न का भी फायदा हो जाता है कि आपको $5, $6 रिटर्न में आता है, सो इट्स वेरी नाइस।
सो गाइस ये थे कुछ टिप्स समझ लो, फैक्ट समझ लो, ये है यूएस का शॉपिंग फैक्ट्स। और एक चीज और मैं भूल गई जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ के लोग ग्रॉसरी करना ज्यादा पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि ग्रॉसरी में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है कि हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो और हमें मतलब वो कुकिंग में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो ग्रॉसरी खरीदने से बेटर फूड सॉरी कुक फूड खरीदना पसंद करते हैं। सो ये था पूरा फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये 100% सच है, मैंने जो रिसर्च किए हैं ये उस बेसिस पे है, प्लस जो मैं खुद मैंने देखा है, जो मैं खुद फेस करी हूँ, मैंने उस चीजों को आपके साथ शेयर किया है। सो गाइज होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह से और इंटरेस्टिंग चीज यूएस और अमेरिका के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।